परिवार से 10 वोट और वार्ड में 100 वोट से इधर से उधर हम लोग कर देते हैं भाई। सुनेंगे तभी आपने देखा कि हम लोगों ने कसम खाया है, हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक से विकास आएगा ज्यादा है और 2024 में सरकार का तख्ता पलट देंगे। अगर उनको तख्ता बचानी है तो हम लोग बेहतर मांग करेंगे भैया। वोट के चोट से तक पलटेंगे। एक से विकास, एक से आएगा, उनके दोनों के हस्बैंड के हुए 4, इन्हीं के अनुसार 2 हम, हमारे 2 बच्चा, तो हुआ बहू हुई, मतलब एक परिवार से 10 वोट और वार्ड। जंतर मंतर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये चेतावनी धरना प्रदर्शन है, ये कोई महारैली महाधरना नहीं था। किसको चेतावनी दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार माननीय मोदी जी को चेतावनी देने आए हैं कि 2024 से पहले हमारी आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतन मान करे, जो मिनी आंगनवाड़ी कर्मी है उनको समान काम का समान वेतन दे, सहायिका को भी फोर्थ क्लास का जो मानदेय वेतन मिलता है वो दे, जो वृद्धावस्था में 65 के पास बाद हमारी बहनें जो रिटायर होती है उनको एक मुश्त 10 लाख रुपया उनको दे रिटायरमेंट के समय, बस यही हमारी मुख्य मांग है। इससे पहले भी जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी सेविका महिलाएं आई हैं, लेकिन बार बार आपकी बात को सुना नहीं जा रहा, क्या जो उम्मीद लगती है दोनों से पहले सुना जाएगा या इस बार वो जरूर सुनेंगे? ना सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और ना सुनेंगे तभी आपने देखा कि हम लोगों ने कसम खा लिया है, हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक सेविका सहायिका जात है और 2024 में सरकार का तख्ता पलट देंगे। अगर उनको अपना तख्त बचानी है तो हम लोग को बेहतर मान करें मोदी जी का। अरे भैया, वोट के चोट से तख्त पलटेंगे। एक सेविका, एक सहायिका, उनके दोनों के हस्बैंड एक एक हुए 4, इन्हीं के अनुसार 2 हम, हमारे 2 बच्चा, 2 हुआ बहू हुई, मतलब एक परिवार से 10 वोट और वार्ड में 100 वोट तो इधर से उधर हम लोग कर देते हैं भाई। एक चीज मुझे बताइए, ये मामला राज्य का भी उतना ही बनता है जितना केंद्र का बनता है? हम लोग केंद्र प्रायोजित है, राज्य सरकार है वो तो प्रोत्साहन के रूप में हमें देती है, लेकिन मुख्य जो भूमिका है वो केंद्र सरकार की है, हम उनके कर्मचारी है, वेतन मान इनको करना है, हमारा कार्य प्रणाली इनको बनाना है। पुराना काल था भाई, तो पुराना काल में देखा कि आप लोग का वीर कहा गया भाई, वीरांगना कहा गया, ये धोखा दिया गया, ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किए थे कोरोना काल में, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना हैंड वॉश के क्षेत्र में घूमे थे और साड़ी के पल्लू से नाक आंख बांध करके और क्षेत्र में काम करते थे, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तनिक भी शर्म नहीं है कि आज महिलाएं रोड पे उतर आई है। बेटी बहू का क्या मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करेंगे? महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब जुमला है, दिखावा है, ये वोट बैंक की राजनीति है।